नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। न्यायालय ने कहा, हमारा संविधान विचार, अभिव्यक्ति एवं धर्म की आज़ादी प्रदान करता है। विराम। किसी भी लोकतंत्र में ये मूल्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुहैया कराए जाते हैं। विराम। इस संबंध में धारा 66 कै पूरी तरह से अस्पष्ट है। विराम। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमें असंतोष के अधिकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति भले ही अलोकप्रिय हो को भी जगह देने की आवश्यकता है। विराम। न्यायाधीश द्वय के अनुसार हम सरकार के इस आश्वासन पर नहीं जा सकते कि प्रावधान का दुरुपयोग नहीं होगा। भले ही सरकार का मंतव्य उचित हो, लेकिन सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर इसके लिए किसी अवैध कानून को जारी नहीं रखा जा सकता और अगली सरकार इसे कैसे देखेगी कहा नहीं जा सकता। विराम। पैरा। यदि किसी व्यक्ति के विचार सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों के विरुद्ध हैं और इससे सामाजिक स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विराम। परंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्ध, महावीर, ईसा मसीही, पैगंबर मोहम्मद आदि के विचार भी तो सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल थे। फिर प्रतिकूल विचारों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? जाहिर है, जो आलोचना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभकर हो, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो, पर जो आलोचना केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पैदा की जाती है, उस पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए। विराम। पैरा। सामान्यतः विश्व स्तर पर उदारवादियों एवं प्रगतिशील विचारकों का मुख्य विरोध कलात्मक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रहार के खिलाफ है। विराम। चाहे वह साहित्य पर प्रतिबंध के रूप में हो, या फिल्म पर सेंसर के रूप में, या किसी अन्य प्रकार के कलात्मक अभिव्यक्ति में। विराम। इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं कि विभत्स अश्लीलता एवं क्रूर हिंसा की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। विराम। परंतु शेष अन्य विचारों या धारणाओं के स्तर पर कोई प्रतिबंध उचित नहीं है। कलाकार को सर्जना की ओर, दर्शक पाठक को उनमें अपनी पसंद के चयन की छूट होनी ही चाहिए। विराम। पैरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस पूरे विवाद में पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक विस्तृत मानसिकता वाले समझे जाते हैं और इसके विरोधी पिछड़े रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकतावादी। विराम। निश्चित रूप से समाज में आज दोनों ही श्रेणियों के लोग रूढ़िवादी नजर आते हैं। विराम। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हाय तोबा मचाने वाले अभिव्यक्ति को बस एक पक्षीय मानने की भूल करते हैं और विरोधी अपनी भावनाओं को इतना महत्व दे देते हैं कि उनके लिए वह गले की हड्डी बन जाती है। विराम। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति समझौतावादी रुख अपनाता ही नहीं है, या तो कोई विचार
पूरी तरह गलत सिद्ध किया जाता है या पूरी तरह सही विराम संवाद के दोनों पक्ष बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में चलते हैं। सम्मिलन की कोई संभावना ही नहीं होती। विराम या तो विरोध में मौत के फतवे जारी हो जाते हैं या समर्थन में लंबी चौड़ी बहस विराम। मनुष्य आज सर्वत्र अपनी सहिष्णुता होता जा रहा है। विराम पैरा समाज का अस्तित्व तथा समाज की व्यवस्था तभी संभव है जब उसकी न्यूनतम इकाई अर्थात मनुष्य अपने अधिकारों का निर्वहन सकारात्मक उत्थान के लिए करे न कि अपने विरोधियों के पतन के लिए। विराम कहा जाता है कि मुख से निकले शब्द कभी लौट कर नहीं आते। विराम इस बात से स्पष्ट होता है कि हमेशा से ही व्यक्ति को यह समझाने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि आप जब भी कुछ कहें वह सकारात्मक सृजन के लिए हो, अन्यथा कोई विचार यदि विध्वंसकारी हो तो उसको रोक देना परिवार या समाज का कार्य है और यदि ऐसा कर पाना असंभव हो तो सरकारी कानून ही ऐसी अभिव्यक्तियों को रोकने का कार्य करे। विराम तभी समाज का वैमनस्य कम हो सकता है, अन्यथा हिंसा ही हिंसा को जन्म देगी। द्वेष ही द्वेष को तथा सकारात्मक विचार ही सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाएंगे। विराम पैरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उदार दृष्टिकोण कभी भी एक अच्छी खासी भोली भाली जनसंख्या को फांसीवादी बना देता है, सांप्रदायिक बना देता है, गुमराह कर देता है। विराम निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही चाहिए। विराम अपने विचारों एवं धारणाओं के प्रति एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण तो रखना ही चाहिए। जैसे हम अपने भाई दोस्त से बहुत प्यार करें यह अच्छी बात है, परंतु जब उनका किसी दूसरे से झगड़ा हो जाए तो दूसरे के पक्ष को भी सुनने से प्यार कम नहीं हो जाता। विराम यदि ऐसा ही दृष्टिकोण हम अपने विचारों के प्रति भी रखें तो कोई विवाद ही नहीं होगा। विराम पैरा वस्तुतः धार्मिक रूढ़िवाद एवं बौद्धिक रूढ़िवाद दोनों ही विचारों की स्वस्थ अभिव्यक्ति में बाधक हैं। विराम व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के प्रति खुद सतर्कता बरतनी चाहिए। विराम जैसे मनुष्य अपने चलने के अधिकार का प्रयोग कर समुद्र पर चलने या कुएं में गिरने की कोशिश नहीं करता, उसी प्रकार उसे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग अपने को अनैतिक या धूर्त बनाने के लिए भी नहीं करना चाहिए। विराम यदि इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य अपने अंदर विकसित कर ले तो संसार की विभिन्न सरकारें अपना ज़्यादा समय मानव संसाधन के विकास में लगा सकेंगी। विराम पैरा अभिव्यक्ति स्वतंत्र के पूर्णतः उपस्थित होना या किसी प्रकार से सीमित किया जाना किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों पर ही निर्भर करता है। विराम जो मानदंड आज की तारीख में उचित एवं प्रासंगिक है वे कल भी उचित एवं प्रासंगिक हों यह आवश्यक नहीं है। विराम विचार बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं, सामाजिक मानदंड बदलते हैं और यह काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा भी हो सकता है। इन्हें सामान्य ढंग से लेना चाहिए और सही सोच संभवतः यही है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी लाता है। विराम धन्यवाद साथियों।